क्वेश्चन नंबर टू बच्चों, इसको आप देखें, इस फिगर में ये दोनों लाइनें शायद पैरेलल हैं, नहीं, इसमें ये ट्रायंगल सिमिलर है, ओडीसी, ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, आपको ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है इस एंगल को, ठीक है। तो नाउ ये लाइनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, ये एलपी लाइनियर पेयर एंगल, तो एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लाइनियर पेयर, ओके। आपने ये थ्योरम सबसे पहले नाइन्थ में शुरुआत में पढ़ी थी, और डी ओ सी को हमें फाइंड करना है, और डी ओ सी आपका हो जाएगा प्लस डी ओ सी आपका 125, ये 180 हो गया, तो एंगल डी ओ सी इजकल टू 180 माइनस 125, और ये हो गया 55 डिग्री, आपका ये एंगल आ गया 55, और ये आंसर हो गया एक, ठीक। दूसरा, इस एंगल को फाइंड करना है, तो इन ट्रायंगल डी ओ सी एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ इजकल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ पर डी ओ सी आपको आपने फाइंड किया 55 डिग्री, ओ डी सी आपका 70 डिग्री है, और एंगल डी सी ओ फाइंड करना है, ओ सी डी या डी सी ओ एक ही है, डी सी ओ, और ये हो गया 180 के, एंगल डी सी ओ इजकल टू इसका हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये बराबर हो गया एंगल डी सी ओ इजकल टू 55 डिग्री, ठीक है, और ये आपका एंगल ये भी आ गया 55 का। अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है, नाउ या सिंस ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, मतलब जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो हमें ए एंगल को फाइंड करना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और एंगल सी हमने क्या निकाला, यहाँ पर ये सी है, इसको बीच वाले एंगल को ही बोला जाता है, तो यहाँ सी 55 है, डी सी ओ ये वाला एंगल कितना है 55, तो ये है, सो एंगल डी सी ओ इजकल टू एंगल बी ए ओ, बी ए ओ डी सी ओ किसी तरह से ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे लिख दो बस, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देन ये यहाँ पर फर्स्ट है, एंगल बी ए ओ इजकल टू 55 डिग्री, यहाँ फ्रॉम वन है, हमने वन पे यहाँ पर प्रूव किया था, और ये डी सी ओ ये 55 का है, और ये इसके इक्वल है, इसलिए इसके इक्वल होगा, ओके। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम एंड ए बी पैरेलल डी सी, ये ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है, एंड ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ठीक है, एंड डायगोनल ए सी बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ओ ए अपान ओ सी, ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ठीक है। और यू नो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर ये दो साइड इस साइड के लिए यूज करना है, तो हम ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। देखिए अब ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल बी सी एंड
ए सी बी डी आर ये आपकी क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यू नो इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट हो जाएगा और ये अल्टरनेट हो जाएगा। सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फाइव, क्या है, अल्टरनेट एंगल। ठीक, समझ में आ गया कि ये एंगल इस एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए इसकी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, इसमें ले लिया और इसमें ले लिया, चलिए तो एंगल वन बराबर एंगल सिक्स, एंगल टू इजकल टू एंगल फाइव, एंगल थ्री इजकल टू एंगल फोर, ये एबव प्रूव्ड हो गया। या सीधा इसको नंबर एक डाल दो फ्रॉम वन, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, ये सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, आई बात समझे, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसकी साइड प्रोपोर्शनल होगी, देन सो ओ ए अपान ओ सी इजकल टू ओ बी अपान ओ डी बाय सिमिलरिटी। ठीक, हैंस प्रूफ्ड। क्यूएस ये पूरा दो ट्रायंगल बन रहा, एक ये छोटा वाला एक बड़ा, इसमें क्यूएस छोटे ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल की साइड क्यूआर है, तो क्यूआर अपॉन क्यूएस इज इक्वल टू क्यूटी, क्यूटी अपॉन क्यूपी इनटू पीआर, ये पीआर गिवन है। आप सबसे पहले ये देखिए इस ट्रायंगल में ले लीजिए, ये एंगल इक्वल के बराबर है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन बराबर एंगल टू के, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अभी साइड को अभी सोच लो, मान लो कि हाइट कर दो, तो आपका ये ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह बन गया, पी क्यू आर ये हो गया टू और ये हो गया वन, पी क्यू आर, ठीक है, इसको हटा देते हैं तो इस शेप में आएगा, ये एंगल इसके इक्वल है। और नाइन्थ में आपने थ्योरम स्टडी किया है कि अपोजिट इन एनी ट्रायंगल ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, कि अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो, तो ये एंगल इसके इक्वल है तो ये साइड आपकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। देन एंगल सॉरी ये आपका पी क्यू है, पी क्यू इजकल टू पी आर इक्वल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब नाउ जो आपका गिवन नहीं ले, इसमें इसमें ले लो क्यू आर अपन क्यू एस इजकल टू क्यू टी अपन पी आर, ये आपका गिवन है और ये आपका हो गया नंबर एक यहाँ पर। अब ये पी क्यू पी आर के इक्वल है, सो वी कैन राइट पी क्यू एट द रिप्लेस पी आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल क्यू टी अपान पी क्यू। नाउ ये आपका यहाँ पे आ गया क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये यहाँ था, देख लो ध्यान से, पी आर यहाँ पर ऑलरेडी ये गिवन है बट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सो वी कैन राइट पी क्यू एट द प्लेस पी आर, तो यहाँ पर हमने पी आर की जगह पी क्यू राइट कर दिया। अब यहाँ पर फिगर में देखो क्यू आर अपान क्यू एस,
क्यू आर अपान क्यू एस इजिकल टू क्यू टी अपान पी क्यू, ये साइड अपान ये साइड, फुल साइड अपान इतनी साइड। तो यहाँ पे दो ट्रेंगल हो गए, एक छोटा एक बड़ा, बड़े की साइड अपान छोटे की साइड, फिर बड़े की साइड अपान छोटे की साइड, और ये एंगल दोनों में कॉमन आ गया। अगेन इन ट्रेंगल टी क्यू आर एंड ट्रेंगल पी क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ से ले लो क्यू आर अपान क्यू एस इजिकल टू क्यू टी अपान क्यू पी, या पी क्यू क्यू पी एक ही बात है, चाहे इधर से बोलो या इधर से बोलो। एंड आर एंगल वन इजिकल टू एंगल वन, ये दोनों में आ रहा है, ये फ्रॉम वन, और ये हो गया कॉमन बाई एस ए एस ट्रेंगल। आपको प्रूव क्या करना था, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस सिमिलर ट्रेंगल टी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। ओके।